साक्षी MS न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में मरने वालों की संख्या 44 हुई। CM नीतीश के घर हो रही महापर्व की तैयारी, बहन और भतीजी कर रही है छठ। रामपुर पहुंची स्मृति ने नन की राम के लिए मांगा वोट। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग में 13 और लोगों के मरने की सूचना मिली है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर खास रौनक दिख रही है। इस वर्ष नीतीश के आवास पर उनकी बहन और भतीजिया छठ कर रही है। नीतीश ने खुद लोगों को खरना का प्रसाद भी खिलाया है। BJP स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोरबा में लोगों को संबोधित किया। स्मृति ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बताया। आज कैसे जिले में आई हूँ जो अपने आप में 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुई विकास की गाथा को स्वयं परिभाषित करते। ये मेरा सौभाग्य है कि आज एक ऐसी विधानसभा में आई हूं जो विधानसभा का नाम ही भगवान राम को समर्पित है। छोड़ के चलने बोल दो उनको। अगर सपना देखते हैं सरकार में आने का तो व्यवस्था तो मंच की व्यवस्था तो आप ही लोग की है ना। वो इच्छा रखते हैं, मात्र ये सवाल जाकर कांग्रेस पार्टी से कर दीजिए। ये सवाल आज मैं माताओं बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में मैं इसलिए उठा रही हूं कि आज खुद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं कि वो जीत रहे हैं, इसीलिए सेनापति घोषित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर मिलेगा। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव के लिए प्ले स्टोर से आज ही MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।